किसान साथियों नमस्कार। आज हम जिक्र करेंगे आप सबसे कि हमारे किसान साथी सामान्यतः देखा गया है कि वो मृदा का जांच किए बिना ही फर्टिलाइजर का यूज किया करते हैं। जैसे रवि का फसल आया तो हमारे किसान साथियों ये मानना है या अवधारणा है कि हम डाई ले लिए और डाई यूज करने से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांटों को मिल जाएंगे। तथा खरीफ का समय जब भी आता है किसान साथी सोचते हैं कि यूरिया से ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये जो धारणा है ये सही नहीं है। किसान साथियों को सामान्यता चाहिए कि अपने मृदा की जांच करें और हमारी मृदा में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी है उन्हीं फर्टिलाइज़र को दें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल पाएगा। अभी ये जो धारणा रही है किसान साथियों को कि हम यूरिया से अपना काम चला सकते हैं या डाई से ही काम चला सकते हैं, तो ये गलत है। आप सॉइल टेस्टिंग करिए, सॉइल टेस्टिंग करने के बाद ही अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र को ऐड करिए तो आपको बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सामान्यतः देखा गया है कि हमारे साइट के जो भी क्लाइमेट्स हैं उनकी पीएच जो है अगर 6 to 7 to 8 के समथिंग में अगर है तो आपके लिए उपयुक्त है। लगभग लगभग सारी टाइप्स के जो हैं विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ धान है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, आलू है, इन सब का कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। अगर आपका पीएच सॉइल इनबैलेंसिंग है, कहीं ज़्यादा है या कहीं पीएच कम है, तो हमें पहले अपने सॉइल का पीएच को मेंटेन करना होगा, उसके बाद ही किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट हमें अपने फील्ड में देना होगा, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट्स अपने खेत से पा सकते हैं। नमस्कार।